वो तो तालिबान ने हमें वो सानू तो बाहर नहीं लान देंगे दे, बस है उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है सर। वो देखे वो इतने बदमाश हैं, हम उनके लिए पूरी दुनिया में जो है वो कटोरा लेके मांग रहे हैं, कभी उधर किसी के हाथ करते हैं, किसी के हाथ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है इमरान खान के गवर्नमेंट के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से डूब गया है, उससे अभी तक ऐसा कभी भी पाकिस्तान में नहीं देखा गया। दोस्तों अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से फेल हुआ है। और साथ में महंगाई, तो आप लोग जानते हैं कि कैसे जो पाकिस्तानी है आज वो इमरान खान से नाखुश हैं। और इसीलिए इस वीडियो में भी इन्हीं टॉपिक ऊपर बात हो रही है कि आखिरकार इमरान खान ने आने के बाद क्या किया। क्योंकि इमरान खान जब अपोजिशन में था तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था और कहा करता था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है तब से इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इमरान खान ये कहा करता था कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, दोस्तों इसने 5 साल में जितने कर्ज लिए हैं उस और सब पार्टियों ने मिलकर 70 सालों में उतने कर्ज नहीं लिए थे। तो कहीं ना कहीं ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाई है, और जिससे कि पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं कि इमरान खान ने आके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। और आज जो मीडिया के लोग हैं वो भी इस बात को मानने लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले दबाव बनाया जा रहा था उसको अब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, और साफ तरीके से इमरान और पाकिस्तानी आर्मी को साथ साथ लपेटे में ले रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट सर ये है कि हम तो उनके लिए पैसे मांग रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की दुआएं कर रहे हैं, और वो हमारे फौजियों कहते खबरदार अगर आपने यहाँ पे किया, और हमसे तो कुछ स्टेटमेंट भी नहीं निकली। अब वो कल मैं देख रहा था शाहमूद कुरैशी कह रहा है कि नहीं हम डिप्लोमेटिकली कर लेंगे, हम ब्रदरली इस्लामिक ये वो आगे पीछे, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल ने लगा दी वीडियो लगा दी। तो ये क्या मतलब, ये फिर हमने सारा हम जग मार रहे हैं, या हमने सारी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कराई पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं और वो हमारे साथ ये कर रहे हैं? क्या खान साहब को कोई टफ मैसेज देना चाहिए, या कि चले ने इन्हें डील करना, किस तरह चलों को डील करना पड़ेगा तालिबान को? ये खासा 32वां तोहफा है ये जो आपने कहा, इसको मिस हैंडल किया। मैं तो शुरू से ये कहता था बात, और ओआईसी भी सऊदी इनिशिएटिव पे हुई है, ओआईसी की मीटिंग भी यहाँ पे, और मुझे यहाँ तक जो मेरी खबरों के हिसाब से अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें रिकग्नाइज कराओ, हमें पैसे लेके दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 4 फौजी शहीद हुए हैं अभी, जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपके बॉर्डर के ऊपर जो बाढ़ का झगड़ा हुआ, 4 फौजी शहीद हुए हैं वहां। तो ये होना ही था, ये होना था। देखे जो चीजें कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये देखे आप हर वक्त आग से खेलते हैं। असल में बात ये नहीं है, सो अफगानिस्तान क्या है, मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। असल में अफगानिस्तान की वजह से आपके पाकिस्तान में आते थे डॉलर कंटेनर्स में, आप वो कंटेनर फिर दोबारा चाहते हैं, वो दुनिया अब नहीं देती। वो कहते हैं वो दिन गुजर गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो डॉलर कंटेनरों में नहीं आएंगे। आप वो डॉलरों की वजह से कभी एक चीज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अब नहीं। अब वेस्ट समझ गया है कि आप डबल गेम है, आप मशहूर हैं दुनिया में डबल गेम की वैसे, और इस वजह से अब वो वेस्ट आपसे माजरत करता है, वो आपसे माफी मांगता है, वो कहते हैं जी हूं सानू जान दो। तो वो आप उसकी वजह से ना ये सारे तालिबान देखें, मैं यहां तक आर्टिकल यहां पे पढ़ता था कि अलकायदा तालिबान एक मिनट नहीं गुजार सकते कई जगहों से सपोर्ट के बगैर। तो वो आप करते रहे हैं, इनको पता है आपका क्या ख्याल है, जो सारा दिन बैठ के सैटेलाइट चलाते हैं, जो ड्रोन चलाते थे, इनको पता ही नहीं है आपकी चीजों का, इन्हें पता है सर आपकी हर चीज तो कंप्रोमाइज, आपकी हर चीज कंप्रोमाइज। तो आप समझते हैं हम इनको बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये बनते रहेंगे, डॉलरों की बारिशें होती रहेंगी। ओआईसी वाले एक पैसा नहीं आपको देकर गए, इस वक्त भी यूरोपियन यूनियन पैसे दे रही है लेकिन वो तालिबान को नहीं दे रही, उनकी अपनी एजेंसियां अपने उनके जो एनजीओ है वो कर रही है। इस वक्त भी यूनाइटेड नेशन पैसे दे रहा है तालिबान को, वो बिल्कुल दे रहा है, वीकली बेसिस पे मार्च तक देंगे 2022 में। अमेरिका डायरेक्ट बातें कर रहा है तालिबान के साथ, बल्कि आपका रोल अब खतर अदा कर रहे हैं, आप फेल हो गए, तालिबान भी अफगानिस्तान भी आपके हाथ से निकल चुका है, तालिबान आपको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना चीमा साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाने वाले अगर पाकिस्तानी हो तब तो बचेंगे, लेकिन जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में, वो पाकिस्तान के बॉर्डर को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, वो किस तरह पाकिस्तान के बारे में फैसले करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है ये बुरा है?
उनका इंटरेस्ट ही नहीं मौजूद। देखे ना, सी पैक आपका बंद पड़ा, आप कहते थे सी पैक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो बंद पड़ा, 3 साल से बंद पड़ा। आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर को आज तक चाइना में एक दौरा नहीं उनका किया उन्होंने, ना उन्होंने बुलाया, ना उनको उनके उन पे एतमाद है। तो ये सारे हल इन्हें मौजूद, पता है इन्हें मसले क्या है, लेकिन हल नहीं इनके पास। मसला ये है